मैं हूँ चौलिस्तान, मुझे रोही भी कहते हैं। सरायकी के महान शायर ख्वाजा गुलाम फरीद की रोही, चौलिस्तान की तहजीब व तमद्दन वादिय सिंध की तहजीब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात से जुड़ी हुई है। चौलिस्तान में तहजीब का आगाज 3000 साल कबले मसीह से हुआ। 26,932 मुरबा किलोमीटर पर फैले हुए इस अजीम सहरा का एक हिस्सा थर से जुड़ा हुआ है और दूसरा पंजाब के जरखेज मैदानों से मुंसलिक है। चौलिस्तान में कुदरत के हुस्न का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ रेत के बुलंदो बाला टीले मेहनतकश आओहेलों की नामफुशानी का अक्स रेज करते हुए खेत, यहाँ की शिकारगाहें और चरागाहें अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ जगह जगह टोबे हैं जहाँ बारिशों के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है। ये टोबे जिंदगी की अलामत हैं। इंसान और मवेशी ये पानी इस्तेमाल करते हैं। जब एक टोबा खुश्क हो जाए तो दूसरे टोबे की तरफ हिजरत कर जाते हैं। पानी के मसले के बावजूद यहाँ सकाफत और तहजीब व तमद्दन का हुस्न अपने पूरे जोबन के साथ मौजूद है। चौलिस्तान रुमान परवर सहरा है। चौलिस्तान पहले सरसब्ज और आबाद इलाका था, लेकिन जब दरियाए हाकड़ा खुश्क हुआ तो ये जरखेज खित्ता सहरा में तब्दील होने लगा। दरियाए हाकड़ा को बरे सगीर का गुमशुदा दरिया भी कहते हैं। इस गुमशुदा दरिया के बहाव के निशानात अब भी फोर्ट अब्बास और किला मरवट के आस पास नजर आते हैं। बहावलपुर डिवीजन के तीनों इजला, जिला बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के साथ साथ चौलिस्तान फैला हुआ है। यहाँ हिंदू और बुद्ध तहजीबों के आसार भी मौजूद हैं। बहावलपुर के करीब सोई वहारा और रहीम यार खान के पास पतन मनारा के खंडरात बुद्ध तहजीब के अक्कास हैं। बादजां यहाँ अब्बासियों की हकूमत कायम हुई और चौलिस्तान बहावलपुर रियासत के एक हिस्से के तौर पर सामने आया। चौलिस्तान के वस्त में किला दरावड़ है। इस जगह को चौलिस्तान में मरकजी हैसियत हासिल है। अजीमुल शान किला की बाकियात अब भी मौजूद हैं और साथ ही तारीखी कब्रिस्तान और मस्जिद भी मौजूद हैं। चौलिस्तानी बाशिंदों के गुजर बसर का इन्हसार मवेशियों पर है। भेड़ बकरी और गाय ज्यादा पाई जाती हैं। गरीबों के लिए यहाँ रिहाइश के लिए बनाए जाने वाली झोपड़ियाँ यहाँ के गर्म मौसम की सख्ती को कम करने में मददगार साबित होती हैं। यहाँ की शादी ब्याह की रस्में और दस्तकारियों के नमूने नहायत ही मुनफरद हैं। आज का चौलिस्तान कल के चौलिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। गुज़श्ता 2.5 सालों में पंजाब के वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान खान बुज़दार की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के जिन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर देखा है, उसके तहत अब हर इलाका तरक्की की मंजिलों को छू रहा है। तालीम, सेहत और साफ पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। चौलिस्तान की चांदनी रातें अपने अंदर तलसमाती हुस्न रखती हैं और कुदरत का हुस्न देखने वालों के लिए चौलिस्तान अब बेपनाह कशिश का मालिक है।